प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज धान में लगने वाले प्रमुख रोगों के विषय में हम लोग अध्ययन और अध्यापन कार्य करेंगे। तो धान में प्रमुख रूप से तीन पैथोजन रोग फैलाते हैं। सबसे पहले फंगस, लगभग 80% रोग फफूंदी द्वारा फैलते हैं, और दूसरा नंबर आता है जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग, और तीसरा आता है विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग। तो मैंने यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग तथा कुछ फफूंदी द्वारा फैलने वाले रोग का वर्णन किया है। विषाणुओं का वर्णन मैं आपको ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो विषाणु रोग फैलाते हैं इसका कोई उपचार नहीं होता है। अगर रोग फैल गया है तो वो पौधे को जलाना या नष्ट करना ही पड़ता है, और उस विषाणु का संचरण कीड़े करते हैं, कीट करते हैं। तो उन कीटों के नियंत्रण के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक में आप मेटासिस्टाक्स, मोनोक्रोटोफास इन दवाओं का प्रयोग करके उस रोग के संचरण को रोक सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, जो चार प्रमुख रोगों को मैंने बताया है, इनको प्रमुख रूप से आप नोट कर लें और समझ भी लें। पहला रोग ब्लास्ट, यह रोग एक फफूंदी द्वारा फैलने वाला रोग है, जिसकी फफूंदी का नाम है पायरिकुलेरिया ओराइजी। इस बीमारी को रॉटन नेक या राइस फीवर या धान का बुखार जिसे कहते हैं, बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी के लक्षण पौधे के सभी बाहरी भागों में पाए जाते हैं। संक्रमित पत्तियों में जो पत्तियां होती हैं उसमें धारियां, फफोलेदार धारियां बन जाती हैं। ऐसा ये लक्षण जैसे ही प्रतीत हो तो समझ जाए कि आपके खेत में ब्लास्ट का अटैक हो गया है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बन डाइजिन नामक फफूंदी नाशक की 500 ग्राम मात्रा, ये WP का मतलब वेटेबल पाउडर होता है, ये 500 ग्राम मात्रा पानी में घोलेंगे, 600 से 800 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा रोग है सीथ ब्लाइट रोग है। इस रोग से ग्रसित पत्तियां पीली या नारंगी होने लगती हैं, पुष्पन अवस्था देर में होती है, जो उसके पेनिकल होते हैं आप जिसमें उसका गुच्छ होता है, फूलों का गुच्छा, उसमें दाने बहुत कम पड़ते हैं, 70 से 80% खाली बना रहता है। तो ये इसका प्रमुख लक्षण है। बड़ी भयानक बीमारी है, किसानों को बहुत ज़्यादा हानि होती है इससे। तो इसके नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल 75% WG की 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर खेत में मिलानी चाहिए। दूसरा नीम की खली 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएंगे तो इस रोग से निजात प्राप्त हो जाती है। अगला रोग है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। इस जीवाणु का नाम है जैंथोमोनास ओराइजी। इस रोग में नवजात पौधे सूखने लगते हैं, पत्तियों पर वाटर सोक्ड या पीली धारियां बनने लगती हैं। यह जीवाणु जनित बीमारी है। इसके नियंत्रण में चूंकि जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां हैं तो क्या करेंगे, जो पोषक तत्व हम देते हैं प्रमुख रूप से नाइट्रोजन, तो उसका नियमित असंतुलित मात्रा में प्रयोग करेंगे। पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करेंगे, खेत को साफ सुथरा बनाए रहेंगे। एग्रीमाइसिन 100 एक दवा है, इसकी 250 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर पानी में छिड़क करके छिड़काव करेंगे तो इस रोग से रोकथाम हो जाती है। अगला रोग है ब्राउन स्पॉट। ये एक फफूंदी द्वारा होने वाली बीमारी है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी इसका रोग का कारक है। धान का सबसे खतरनाक रोग है ये, प्रमुखतया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। यह रोग नर्सरी तथा प्रमुख खेत में भी फैलता है। पत्तियों में धब्बों का पाया जाना इसका प्रमुख लक्षण है। इसके नियंत्रण के लिए मेटोमिनो स्ट्रोबिन की 500 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। नीम की खली यदि 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाली जाए तो इस रोग की रोकथाम अच्छे से हो जाती है। तो ये कुछ प्रमुख रोग हैं, इसमें जो भी सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। धन्यवाद।